ही लाइज, वो झूठ बोलता है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया, और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। क्या? अपनी डेली रूटीन बताने के लिए, अपनी हॉबीज़ बताने के लिए, अपनी हैबिट्स बताने के लिए। इसमें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। कि जैसे आप किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलते हो कि तुम क्या करते हो, तुम कितने बजे उठते हो, तुम्हारे पापा क्या खाते हैं, तुम्हें क्या पसंद है। ये सब क्या है? ये सारी लाइनें हमें क्या बता रही हैं कि हम किसी की हैबिट्स के बारे में पूछ रहे हैं या उसकी डेली रूटीन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्कूल लाइफ में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें आज तक इतना हेक्टिक लगता है कि यार ये कितना टफ होता है, इनके रूल पढ़ो, रेगुलेशंस पढ़ो, वो टेंसेज जो हैं वो आज तक ख़त्म ही ना हो रहे हैं। इसलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ ऐसा जो इंटरेस्टिंग भी हो और हमें समझ में भी आए। यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट योर डेली लाइफ, डेली रूटीन एंड हैबिट्स, हॉबीज, ओके। बट सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट रूल्स समझने होंगे टेंसेस के। जब तक आप इम्पॉर्टेंट रूल्स नहीं समझेंगे, उसे समझें और उसे रोज़ यूज़ करना शुरू करें अपने डेली सेंटेंसेस में, ओके। लाइक कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। बट सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। सिंगुलर के साथ हम ई एस या एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म ही लगा देते हैं। लाइक ही शी इट के साथ हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। बट प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं? आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। उसके साथ एस या आई एस क्यों नहीं लगाते? बिकॉज चलिए एक कहानी के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एक रिया है, रिया अपने स्कूल में अकेली रहती है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। और एक राम है, उसके कई सारे फ्रेंड हैं। वो जो भी काम करते हैं, राम के फ्रेंड जो हैं वो सब सारे जो हैं एक ही साथ काम करते हैं, और रिया अकेले काम करती। तो वो बोलती है कि मैं तो अकेली हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझे तो किसी का साथ चाहिए, मुझे कोई फ्रेंड चाहिए। तो जब भी हम रिया के साथ, रिया सिंगुलर है, तो हम जब भी सिंगुलर के साथ कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें एस या ई एस लगाते हैं, ओके। और प्लूरल के साथ जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो, क्योंकि राम के साथ तो उसके फ्रेंड पहले से ही हैं, तो इसलिए हम कोई भी उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म ही रख देते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रिया प्लेज गिटार, रिया गिटार बजाती है। रिया लाइज, रिया झूठ बोलती है। रिया गोज टू स्कूल, रिया स्कूल जाती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने हर सेंटेंस में एस या ई एस लगाया। लेकिन अब चलिए राम के साथ देखते हैं कि उसके फ्रेंड जो हैं, फ्रेंड सर्कल क्या करते हैं। दे प्ले, वो खेलते हैं। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। हमने दे के साथ ना एस लगाया ना ई एस लगाया। क्यों? क्योंकि हाँ, वो पहले से ही, वो लोग बहुत सारे लोग हैं, वो प्लूरल हैं, इस वजह से हमने उनके साथ ना एस लगाया ना ई एस लगाया, बस वर्ब की बेस फॉर्म ला के रख दी। अब जैसे कि आपको, अब आई आ गया, आई का लेते हैं। आई तो अकेला है, लेकिन हम उसमें, वो तो सिंगुलर है, लेकिन हम उसमें एस या ई एस क्यों नहीं लगाते? आई और यू, आप जब भी देखेंगे इन दोनों के साथ कभी भी सिंगुलर वाला बिहेव नहीं होता, क्योंकि हैं तो ये सिंगुलर ही ना, लेकिन इनके साथ हम कभी भी सिंगुलर वाले सेंटेंसेस यूज नहीं करते, हम इसे प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे यू गो, तुम जाते हो। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। आई लव यू, आपने हमेशा ये वर्ड तो आपने हमेशा सुना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके साथ हम और कुछ भी लव्ज लगा सकते हैं, आई लव्ज यू, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट, जैसे कि हम, आप अपने बारे में किसी को स्टोरी बता रहे हो,
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। चलिए कुछ आगे सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे आप अपनी सिस्टर के बारे में बात करते हो कि माई सिस्टर डांसेस वेरी वेल, मेरी सिस्टर जो है बहुत अच्छा डांस करती है। तो नेक्स्ट जो रिया है वो बता रही है कि अच्छा तुम्हारी सिस्टर करती है, बट आई डांस वेरी वेल, मैं तो बहुत अच्छा डांस करती हूँ मैं भी। चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ही नोज मी, वो मुझे जानता है। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। चलो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप किसी से मिलते हो, आपकी सपोज कि आपकी टीचर आपसे बोलती है कि हेलो मुझे चलो टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, अपनी डेली रूटीन के बारे में बताओ, तो आप कैसे शुरू करते हो? हेलो माई नेम इज़ डॉट डॉट डॉट, जो भी आपका नाम है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई हैंड्स एंड फेस। आफ्टर दैट आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, देन आई टेक बेथ एंड ईट माई ब्रेकफास्ट। आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, सो आप इस तरह से अपनी डेली रूटीन बताते हो। इन सब सेंटेंसेस में एक कॉमन चीज़ क्या है कि हर हिंदी में आप अगर देखोगे तो सबके पीछे ता है ती है ते है, ये सब आ रहे हैं। बट सेंटेंसेस को हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट रखा है, प्लस वर्ब रखा है, प्लस ऑब्जेक्ट रख दिया है। ओके, क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर में नहीं प्लूरल में आता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप किसी अपने सिस्टर के बारे में बात कर, माई सिस्टर डांसेस वेरी वेल, मेरी सिस्टर बहुत अच्छा डांस करती है। माई सिस्टर कुक्स वेरी वेल, मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है। लव्स म्यूजिक, उसे म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है। सो आपको करना क्या है, रोज छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फॉर्म करिए और उसे रोज बोलने की कोशिश करिए, किसी से भी। वो कोई भी हो सकता है, आप शीशे के सामने बोलो, आप अपने भाई बहनों से बोलो, किसी से भी बोलो। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इजी है अगर आप उसे रोज अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, क्योंकि हम रोज डेली रूटीन का काम तो हम रोज करते हैं। स्कूल रोज जाते हैं, अभी नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, हम पढ़ाई रोज करते हैं, हम खाना रोज खाते हैं। तो इसे आप यूज करो, बस टेंसेस के इंपॉर्टेंट रूल्स को समझो और उसे अपनी डेली रूटीन में लाओ। शुरू करो, सेंटेंसेस को फॉर्म करना शुरू करो और उसे यूज करना शुरू करो। ओके,